नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। रीवा में खुले बोरवेल में गिरे बालक की घटना के बाद अब खंडवा जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पर आ गया है। खंडवा एसडीएम ने निर्देश जारी कर लोगों को चेतावनी दी है कि लोग अपने बोरवेल को खुले में ना रखें, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़वी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बाकायदा जिला प्रशासन ने एक टीम भी गठित की जो ऐसी जगहों पर नजर रखेगी जहाँ कहीं खुले में बोरवेल दिखाई देता है तो उस पर कार्रवाई करेगी। खुले बोरवेल मिलने पर इनके खिलाफ मालिकों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस संबंध में शासन से निर्देश मिले हैं कि कोई भी व्यक्ति खुले में बोरवेल ना छोड़े। जिसने भी बोरवेल की खुदाई कराई है वह अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने बोरवेल को ढक कर रखे और सुरक्षित रखे। खुले में यदि कोई भी बोरवेल रखता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेकर खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर ने भी क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। इस संबंध में शासन के स्थायी निर्देश है कि कोई भी बोरवेल खुले में ना छोड़े जाएं। जिनने भी बोरवेल खुदाई कराई है उनकी ड्यूटी बनती है कि वे इसे ढक कर रखें या सुरक्षित रखें ताकि किसी भी प्रकार के कोई बच्चे या कोई जानवर उसके चपेट में ना आए। तो ये हम जो है इसको सतत रूप से निगरानी कराते हैं और मैंने इस संबंध में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकारियों को बोल रखा है कि वे इसकी जानकारी लें और कोई भी यदि व्यक्ति बोरवेल को खुला छोड़ेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।